अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। मेरे जो लेक्चर होते हैं वो उर्दू में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है। मैं उर्दू में भी बताता हूँ, साथ साथ इंग्लिश में भी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ जिस तरह आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं समझाया। मुझे उम्मीद है कि इस तरह इतना एलैबोरेट करके इतनी डिटेल से कोई नहीं बताता, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर स्टेप हर पॉइंट क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दें और अच्छे तरीके से तैयारी करें, ताकि कल को मुझे साल के बाद आप कमेंट करें, जब आपका पेपर हो जाए, रिजल्ट आए, आप मुझे कमेंट करें, सर मैंने आपसे मैथ पढ़ी थी और मेरे 75 out of 75 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह का कमेंट्स चाहता हूँ आपसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कहते हैं रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उर्दू में भी इसे यही लिखा हुआ है, रेडिकल और रेडिकेंट्स, और इंग्लिश मीडियम में तो यही है, इंग्लिश मीडियम में तो है ही ये। कहता है इफ़ एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। कहता है अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि सही अदाद, मुस्बत सही अदाद, ठीक है, हो ग्रेटर दैन वन, एक से बड़ा हो। अगर एन एक मुस्बत सही अदाद है, यानी कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है कोई भी, ठीक है, और वो एक ग्रेटर दैन वन है, यानी एक से क्या हो, बड़ा हो, यानी ए से बड़ा हो, ये वाला साइन आएगा, यानी कि एक्स है फॉर एग्जांपल, तो वो ए से बड़ा, एक से बड़ा हो, ठीक है। एंड ए इज़ ए रियल नंबर, और ए क्या रियल नंबर, रियल नंबर तो आपको पता है, उसके अंदर सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सारा कुछ, ठीक है। देन एनी रियल नंबर एक्स, और एक दूसरा रियल नंबर है एक्स है, ठीक है, सच डैट ए की पावर एन, एक्स की पावर एन इक्वल टू ए हो, यानी कि एक्स की पावर एन हमारे पास क्या हो, ए के बराबर हो, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए। वो ए का क्या कहलाता है, nth रूट कहलाता है, ठीक है, वो ए का nth रूट कहलाता है। एंड इज सिंबल्स एज रिटर्न, उसे सिंबल में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसे उर्दू में मैं आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। कहता है अगर n एक मुस्बत सही अदाद हो, जो कि एक से बड़ा हो, और ए एक रियल नंबर हो, और x एक दूसरा हकीकी नंबर हो, ठीक है, इस तरह के x की पावर जो n हमारे पास, वो हमारे पास ए के बराबर है, इज कॉल्ड nth रूट, n वा रूट कहलाता है ऑफ ए, ए का एनवा रूट कराता है। एंड इन सिंबल, और सिंबल में लिखते हैं, इज रिटन एज एक्स इक्वल टू स्केयर रूट ए की पावर एन, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिखते हैं, और इसको पावर रूल में कोवर में शक्ल में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, ये इसकी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है रेडिकल की फॉर्म, रेडिकल ये जो जहाँ जजर आएगा उसको हम कहेंगे रेडिकल, और अगर इस तरह पावर में लिखा होगा उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कोवर में शक्ल। उसके बाद देखें ज़रा, पढ़ते हैं, कहता है इन दिस रेडिकल, इस रेडिकल में ये वाला जो रेडिकल है, ये पूरे इसके पूरे हम क्या कहेंगे रेडिकल कहेंगे, ये रेडिकल फॉर्म है ना, दिस सिंबल स्केयर रूट, ये स्केयर रूट वाला सिंबल है, इज कॉल्ड रेडिकल साइन, इसको हम रेडिकल का साइन कहते हैं। एंड एन इज़ दी रेडिकल इंडेक्स, और जो एन है यहाँ पे वो क्या है, रेडिकल इंडेक्स है, यानी कि इसकी पावर है, इंडेक्स का मतलब होता है पावर, इंडेक्स क्या होता है, पावर होती है, ये इसकी रेडिकल क्या है, पावर है। एंड रियल नंबर ए, और रियल नंबर ए क्या है, अंडर दी रेडिकल साइन इज कॉल्ड दी रेडिकेंड आर बेस, या वो इसका एहसास या बेस कहलाती है, ठीक है। यानी कि ये जो ए होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एहसास यानी बेस, और उसके बाद हमारे पास जो ये उसकी पावर होगी, ये उसको हम क्या कहेंगे, ये उसके मतलब इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, यानी इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, इसकी पावर है, ठीक है। और ये जो साइन होगा यहाँ पे, इसके अंदर ये वाला जो साइन है जजर वाला, ठीक है, स्क्वायर रूट वाला, इसको हम क्या कहेंगे, इसके हम कहेंगे रेडिकल साइन ऑफ रेडिकल, ठीक है, सिंपल इसे कहते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद कहता है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपने ये डिफरेंस बताना है कि रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वत नुमाई शक्ल, इसको क्या कहते हैं, कुव्वत नुमाई शक्ल, कुव्वत नुमाई शक्ल। आपने बताना है कि रेडिकल फॉर्म में और कुव्वत नुमाई शक्ल में हमारे पास क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा होता, बस मैं बता देता हूँ। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज, रेडिकल फॉर्म में क्या होता है, रेडिकल साइन यूज होता है, रेडिकल साइन क्या होता है, स्केयर रूट, यानी अगर हमारे पास इसकी ये होगा एक्स की पावर 1/2 हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये, ठीक है। अगर हमारे पास हो एक्स की पावर 3/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आ गया एक्स आ गया, ये यहाँ आ गया, नहीं यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरह आ गया। और अगर इस तरह हो कि एक्स की पावर 1/3 हो, इसको हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स इंटू 3, ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म होगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, ठीक है।
तो ये आपने बात, क्योंकि इसके अंदर ये जनरल वाला साइन यूज हो रहा है, वहाँ वो क्या हो जाएगी रेडिकल फॉर्म, और जिसके अंदर जनरल वाली पावर ना यूज होगा, साइन यूज नहीं होगा बल्कि पावर में लिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कुव्वत नुमाई शक्ल है, ठीक है। तो कहते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल। एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं, पावर को कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, कुव्वत नुमाई शक्ल यानी कि उसकी पावर की शक्ल में लिख देते हैं। तो ये आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि अगर हम स्क्वायर रूट वाला यानी जजर वाला साइन यूज करें किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म कहेंगे। और अगर उसको हम उसके साइन को खत्म कर दें, यानी कि इसको खत्म कर दें, इसको आपको पता ना स्क्वायर रूट आपको बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर एन है तो ये 1/n आ जाएगा, और अगर यहाँ पे ए स्क्वायर हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/n आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आ जाता है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अगर तो इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख दें, पावर वाली फॉर्म में, तो उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया। उसके बाद कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना मैं जरूरी समझता हूँ, तो कर लेते हैं। कहता है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी आर रियल नंबर है, तो एंड एम एन बी दी पॉजिटिव इंटीजर, और एम एन क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। वैसे तो रियल नंबर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर है जो रियल नंबर के साथ कुछ आ जाता है। कहता है कि हमारे पास ए बी का जो होल का जजर होगा ना, जो होल का स्केयर रूट होगा, वो किसके बराबर होगा, अलग अलग के स्केयर रूट के भी बराबर होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये होता है एक्स इंटू एक्स, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, एक्स स्केयर। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, ए की पावर 1/n है, और बी की पावर क्या है, 1/n है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ए की पावर ए बी की होल की पावर 1/n, ठीक है। तो 1/n को हम क्या लिखते हैं, स्केयर रूट ए बी, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये सारी ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए की पावर n, और ये हमारे पास b की पावर n, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरह भी लिखी जा सकती है, तो ये इसके बराबर होगा, तो आपने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद ये अलग अलग ऊपर डिवाइड में कर देंगे, ये पहले मल्टीप्लाई में लिख दिया, आप डिवाइड में लिख देंगे क्योंकि तो बटे में है। उसके बाद ये देखें अलग अलग पावर, इसको बाहर निकाल के लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ये होता है x की पावर 2 इंटू x की पावर 2, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर 4 आ जाती है। तो इस तरह ये इसे इस तरह बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ आ गई, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि मैंने जैसे आपको ये बताया था, यहाँ पे हमने किया कि हमारे पास अगर ये है, ये हमारे पास ये एक्स की पावर 3/2, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 को, एक्स की पावर 3/2 है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर एक्स क्यूब ऊपर स्क्वायर, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स का जजर ये 2, और ये हमारे पास ये आ गया 3, ठीक है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद आपके पास आ गया अगला ये वाला, तो इसके बाद ये कैसे आएगा आपके पास, ये देखें एक पावर एन है, स्केयर रूट का मतलब क्या होता है, 1/n, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ए आ जाएगा, तो यहाँ से ये इसके बराबर होगा। तो ये वाले कुछ आपने इंपॉर्टेंट रूल याद रखने जो आगे यूज़ होंगे, तो हम करते हैं अब एक्सरसाइज 2.3। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। आप इंशाल्लाह जल्दी से कर लेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना, स्टार्ट करते हैं। कहता राइट दी रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल नोटेशन, यानी अगर आपके पास रेडिकल के फॉर्म में कोई दिया होगा, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है, और अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा, तो आपने उसको रेडिकल फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, इसको पावर में लिख देंगे। ये जजर है, जजर होता है हमारे पास 1/2, अगर यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे जितना लिखा हो वो आ जाता है, अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो फिर 2 आता होता है स्क्वायर रूट का, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हो तो वो वाला 7 आ जाता है, तो इसकी 1/3 की पावर आ गई, ठीक है। इसको इस तरह लिख दिया। उसके बाद आपके पास ये वाला आ गया, ये मैंने आपको पहले लिखना सिखाया है कि आप इसको ये अलग कर दें, ये 1/5 आ गई, तो इसको ये देखें इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ आ गई, इसके बाद इसको आप इस तरह लिख सकते, जैसे ये था वैसे ये देखें, ये उल्टा आ गया, इसके पावर हमने इस तरह लिखी, अब इसको इस तरह लिख देंगे, ठीक है। ये आपने अब समझ लेना है। उसके बाद देखें इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो होगा उसको आप अंदर ले जाते होते हैं, ठीक है, इस तरह, और ये जो नीचे वाला होता है 1/2 वाला, उसको आप इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने बताना है कि ट्रू या फॉल्स है, आपने आपको कोई भी मतलब एक स्टेटमेंट दी होती है, आपने बताना होता है कि ये ठीक है या गलत है, आपने बताना है ये दोनों आपस में बराबर है, उसने इक्वल टू का साइन लगाया हुआ, आपने बताना है ये दोनों बराबर हो सकते हैं कि नहीं। अगर इसको आप लिखें, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 × 5, ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी। लेकिन यहाँ तो ये सिर्फ ये लिखा है, इसको अगर आप ओपन कर दिए आपके पास आएगा 5 × 1/2, ये 1/2 और ये 1/5 है, ये आपस में बराबर हो सकते हैं, ये तो कभी भी बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद उसने ये वाली चीज़ दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 2 × 2 क्या होते हैं, 4 × √3, ये वाली चीज़ लिख सकते हैं ना, इसको 2 × 2 को आप इस तरह लिख सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या, ये ट्रू आ गया। उसके बाद आपके पास ये स्क्वायर रूट ये वाला है, 49 का स्क्वायर रूट है, और एक आपके पास स्क्वायर रूट 7, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये कितना आ गया 7, तो 7 7 के तो बराबर नहीं ना हो सकता, 7 और स्क्वायर रूट 7 आपसे बराबर नहीं हो सकती, क्या आ रही, फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है, इसको देखते हैं क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आपके पास क्या 27 है, उसको आप किस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को आप इस तरह लिख सकते हैं, इसे कैंसिल हो गया, तो x पावर 9 आ जाएगी, ये इक्वल टू x पावर 3, तो
आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब आपस में बराबर नहीं है, क्या आ जाएगी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया, उसने आपने कहा इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है इसका मतलब आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आपने सोल्व करना है। अब ये वाली चीज़ है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, 125 किससे बनता है, 5 × 5 × 5, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास 25 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 5, ये कितना आ गया 125, ठीक है। इसको हम यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। तो देखिए जरा इसको हमने 5 की पावर 3 में लिख दिया और बाइट भी 3 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी पावर, ठीक है। और बाकी आपके पास -5 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। आप इस तरह कर सकते हैं ना, देखिए 125 है, ठीक है, तो 5 पे गया, बाकी कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 × 2 = 10 और आ गया 5 × 1 = 5, 10 आ जाएगा, बाकी 25 बच गया, इतना आ गया। इसको 5 पे करेंगे तो क्या आ गया, 5 × 5, तो आपके पास आ गया 1 1, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 5 × 5 × 5, इसको हम क्या लिखते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। ये 5 की पावर 3 ये लिख दी, यहाँ 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 है और ये 1/3, आपको पता नहीं इनको आपस में कैंसिल आउट करने, बाकी 1 बचता है तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली आ गई, स्क्वायर रूट 32 की पावर 4 है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 34 है, इसको इतना लिखता है 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 की पावर 5 आ जाती है, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखते हैं 2 × 2 की पावर 4, ठीक है। तो आप एडअप करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई, आप 4 अलग कर लिए, ठीक है, और एक अलग कर लिया, इसको भी इस तरीके से किया है, ठीक है। ये वाला तरीका जो हमने ऊपर लगाया, ये वाला इसके तरीके से इसको तोड़ा है, ठीक है। ये देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 32 है, 2 पे गया 16 आ गया, 2 पे गया 8 आ गया, 2 पे गया 4 आ गया, 2 पे गया 2 आ गया और 2 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 आ गए। इसको इस तरह लिख दिया, आप 4 अलग कर लें, 1 अलग कर लें, ठीक है। ये आ गया, अब दोनों की पावर अलग करके लिख लेंगे, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि पावर है, मैंने हमने ये रूल पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर पावर अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये 4 4 से गया, बाकी ये आपका पास वैसे आ गया, ये वाला 2 वैसे आ गया। अब ये वाला क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला इसका आसानी से सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 के अंदर कहते हैं ये वाली चीज़ उसने दी हुई है, तो इसको आपको बताया अगर ये वाली पावर दी है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 32 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास ये नीचे 2 बच जाएगा, ऊपर ये वाली चीज़ बच जाएगी, ऊपर वाला सॉल्व नहीं होता तो वो ऐसे ही रह जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिए इसका पार्ट नंबर, आपके पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 कहता है कि अगर ये वाली चीज़ हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग, पहले इसको होल की पावर बना लेते हैं, ठीक है। होल की पावर बनाने के बाद देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इस तरह लिखा, अब -1 अलग कर लिया, इसको -1 कह दें, ठीक है। तो जो -1 की पावर दी तो माइनस ही रहेगी, -1 की पावर देखें ना 1/3 है, ठीक है। तो ये -1 है तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर इसकी पावर जुफ्त हो ना, ठीक है, यानी कि इवन नंबर हो तो फिर चेंज होती है, अगर इवन नंबर ना हो तो ये चेंज नहीं होती पावर, अगर इवन नंबर होता तो ये प्लस का हो जाना था, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है, 1/3 एक हमारे पास ओड नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ये -1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 है, बाकी रहेगा 4, बाकी कितना रहेगा 2 × 1, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ जाएगी। उसके बाद 27 है, 27 को लिख लेते हैं, 27 3 पे गया 9 आ गया, फिर 3 पे गया, बाकी आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3 × 3 × 3, ये आपको 3 की पावर 3 आ गई, ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, बाकी 2/3 इसका आंसर ये वाला आ गया, यहाँ से -1 ये वाला वैसे ही आ गया, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना दी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, मैंने हर चीज़ आपको डिटेल से समझा दी है। तो अगर आप लेक्चर चैनल पर नए आए थे ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं, और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और हाँ, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ये मैं कहना भूल गया था, तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी मैथमेटिक्स आसान लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।